कह रहे मोदी और योगी आ जाने से लोगों को बांटा जा रहा है। तो पहले तो देते रहना झलिया देते रहना ढोका बांधल देते रहना। गठबंधन सरकार अब लोगों के हक तेल लादने जाएगा। गठबंधन सरकार फेस होने के बाद अब देखिए ना, अब जनसभाओं में किस तरीके की बात हो रही है, हिंदू मुसलमान क्या जा रहा है, पाकिस्तान क्या जा रहा है। हाथी जाती है कुत्ते समान भूखते रहेंगे। और अवतार हम है कलयुग के, कलयुग के अवतार भेजले वाले। मोदी तो कह रहे हैं कि अगर इस बार आएंगे तो सभी वर्ग के बुजुर्गों को जो है 70 साल के बुजुर्ग सब के लिए हम कार्ड बनवा देंगे, आयुष्मान कार्ड। हाँ तो जब बन जाए तो हमारे बनल बा सबके। हाँ सबके बनल बा कह रहे हैं, लेकिन मोदी को हटा देंगे इस बार अखिलेश यादव कह रहे हैं। अरे चली का हटा जा जाए, ऐसा नहीं करत कर जला मन के। हाँ जितावल जाए। हाँ तब का जनता जकरा गिर गई ओके जिताव दिहल जाए। क्या कह रहे हैं ये सबका, हम सभी बहनों का, मतलब कोई कुछ भी कहे, पुरुष वर्ग चाहे कहीं भी इधर उधर हो जाए, लेकिन हम सभी बहनों का एक मत, मतलब दावा है कि हम लोग 1 जून को सबसे पहले वोट डालेंगे, तब घर में आकर कोई भी काम करेंगे। और हम सभी सभी बहने कम से कम एक बहने अपने साथ 5 महिलाओं को लेकर जाएंगे। अकेले वोट डालने नहीं जाएंगे, कम से कम हम 5 लोगों को लेकर वोट डालने जाएंगे अपने साथ। ये तो सरकार कहती है या यूं चुनाव आयोग कहता है पहले जलपान नहीं, पहले मतदान करना है उसके बाद जलपान करना है। लेकिन गोरखपुर का क्या मिजाज कर रहा है, गोरखपुर में क्या परिवर्तन आया? गोरखपुर का देखिए, हम लोग हर घर जा रहे हैं, हर घर में आज 2 महीना से लगातार घर घर हम लोग जा रहे हैं। और मतलब मिजाज बहुत अच्छा है। और एकदम देखिएगा 400 पार हम लोग करके ही रहेंगे। 400 पार 400 पार कर 400 पार होगा बिल्कुल। माता जी आपका क्या नाम हुआ? मोदी दी हल जाई मोदी के। तब का क्या किए मोदी ऐसा? बहुत कुछ कहले बाणा जैसे। हाँ कहे आवास देले बाणा, आ हमन के गैस देले बाणा फ्री में, आ लैट्रिन देले हमें। हाँ तो कहे हाँ राशन मिला ला हर महीना में। तो राशन तो जो दूसरी सरकार आएगी कह रही मैं भी दूंगी राशन। तो पहले तो देते रहना झलियाल देते रहना ढोका बांधल देते रहना है, आ 100 रुपया लेते रहना। पहले घुस लेते थे तब का हमन खुद छोड़ौले है 100 रुपया दे के। हाँ और अब आए अब तो फ्री में ले आवत है। 5 साल फ्री मिलेगा। हाँ 5 साल फ्री मिलेगा। विपक्ष के पास एक मुद्दा है क्या? कि मतलब युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। हाँ। लेकिन ये गलत है। पहले देखिए जो बच्चे पढ़ लिख कर घर में बैठे रहते थे, जो नहीं पढ़ते थे वो पैसा के बल पर नौकरी पा जाते थे। लेकिन आज आप देखिए, आप आए दिन सुन रहे हैं कि ठेला चलाने वाला का बेटा IAS बन गया, रिक्शा चलाने वाले का बेटा PCS बन गया, सब्जी बेचने वाला का मतलब बेटी IAS बन गई। ये शायद कह रहे हैं कि अगर हम आएंगे इस बार ना तो उनको निःशुल्क पढ़ाएंगे। अरे वो तो इतना दिन तक तो कोई देखा नहीं है। इसके पहले इनकी सरकार थी तो क्या किए थे वो? कितने लोगों को निःशुल्क उन्होंने पढ़ाया था? पहली बार तो नहीं मोदी जी आए हैं कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं। इसके पहले भी तो उनकी सरकार रह चुकी है, क्यों नहीं ऐसा किए? गठबंधन सरकार अब लोगों के हक को, गठबंधन सरकार सब जाएगा तेल लादने जाएगा। गठबंधन सरकार सब जाएगा, कोई मोदी जी के टक्कर में नहीं है। मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है, चाहे गठबंधन है कोई भी। मोदी अब डर रहे हैं, प्रियंका गांधी कह रहे मोदी अब डर रहे हैं। अरे कोई डर नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी मोदी जी की ताकत हमारी बहने हैं, हम महिलाओं का। सबसे पहले तो उनको गठबंधन इसलिए कर रही हैं क्योंकि उन्हीं को सबसे पहले डर है। और क्या, हमारे मोदी जी नहीं डरते हैं, हमारे योगी जी महाराज नहीं डरते हैं, इसीलिए गरीबों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बहुत कुछ किए हैं। आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं, सुकन्या योजना चलाए हैं, आवास योजना चलाए हैं, शौचालय योजना चलाए हैं, राशन कार्ड महिलाओं के नाम से बनवाए हैं। बताइए और क्या, इससे अधिक और क्या चाहिए जनता को? इससे अधिक क्या चाहिए? किसान समृद्धि योजना चलाए हैं और क्या? इसके पहले के पास लैट्रिन नहीं था, लैट्रिन नहीं बना था। इससे पहले भैया अखिलेश का सरकार था, उनकी सरकार थी तो लैट्रिन नहीं बना था घर में, और चलो जाते रहे शौचालय करने खेत में। ठीक है ये विकास हुआ, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो रुका हुआ है ना। कह रहे गठबंधन आएगा तो कर देगा। नहीं कर पाएगा, जो अपने सरकार में नहीं कर पाया वो अब क्या कर दिखाएगा, ये बताइए। इस बार सब साथ आ रहे हैं। नहीं शेर जो आता है वो दहाड़ के अकेले आता है, और जो चोर लोग हैं वो गठबंधन करके आते हैं। चोर और क्या, कहाँ है नहीं चोर है बताइए। गठबंधन जो करके आ
चुन लोग चोर हैं। गठबंधन वाले अपने सरकार में क्यों नहीं इतना काम करके दिखाए, ये बताइए। छह फेस होने के बाद अब देखिए ना, अब जनसभाओं में किस तरीके की बात हो रही है, हिंदू मुसलमान क्या जा रहा है, पाकिस्तान क्या जा रहा है, योजनाओं की बात नहीं हो रही। हमारे महाराज जी कभी जातवाद नहीं करते हैं, नहीं जातवाद नहीं करते हैं। बताइए किस बिरादर को नहीं हमारे महाराज जी का योजना का किया भाई, किस बिरादर का नहीं मिला है, कौन नहीं लाभ उठाया बताइए ना। वो जातिवाद देकर, जातिवाद करके नहीं हमारे महाराज जी काम कर रहे हैं। दिया क्या 5 किलो ना, बहुत कुछ किए हैं बताइए। जो अंधे होंगे उनको क्या दिखता होगा, जो अंधे होंगे उनको नहीं दिखा होगा, जिसके आँख पर पट्टी पड़ी होगी उसी को नहीं दिखा होगा। कह रहे मोदी और योगी आ जाने से लोगों को बांटा जा रहा है, इससे पहले भी उनको जोड़ के लेके चलना था ना, क्यों जातिवाद करते हैं। जब उनकी सरकार बनती है भैया पाकिस्तान हमारे फौजी भाइयों को भूसा भर के भेजता था मनमोहन सिंह सरकार के राज में। उस समय राहुल गांधी कहाँ थे, क्या नहीं सोच सकते इन गरीबों की रहम। वो फौजी हमारे बीच के भाई हैं, वो हमारे ही भाई जाकर के फौज पर बॉर्डर अपनी जान कुर्बान करते हैं। उस समय कहाँ थे ये लोग, उस समय गठबंधन बना करके उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते थे। बोलिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वही जब युवा हमारे घर का जाता है 4 साल में छुट्टी करवा देते हैं, वही योजना यहाँ खत्म कर देनी है। अखिलेश यादव की सरकार में जितनी लूट खसोट थी, जितनी महिलाओं को बाहर निकलने में असुरक्षा थी, उस समय कहाँ थे अखिलेश यादव, क्यों नहीं महिलाओं की सुरक्षा देती थी। दिनों दिन डकैती होती थी, दिनों दिन रहजनी होती थी, बलात्कार होता था, उस समय अखिलेश यादव क्या कर रहे थे। नहीं हो रहा है क्या, कहाँ हो रहा है हमको दिखाइए। आज 100 में कहीं 1% हो रहा है, लेकिन उस दिन 100 में 95% हो रहा था। उस दिन कहाँ थे ये लोग, आज बताइए कहाँ हो रहा है। इस बार छुट्टी कर देंगे योगी और मोदी की। अरे कुछ उनके कहने से हो जाएगा, हाथी जाती है कुत्ते समान भूखते रहेंगे। और देख लीजिएगा 4 तारीख को सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी, हवा में बनेगी, एकदम हवा में आम जनता मनाने का कार्य करेगी। फेस हो गया, लेकिन देखिए ना लोगों के चेहरे की हालत। कुछ नहीं, उनके चेहरे की हालत अपने को आपको खूब देखना, चेहरा देखेगा की वोट देता नहीं। हमन किसान हैं। अच्छा 60 साल में राहुल गांधी के परिवार कुछ कोई नहीं पौल है, आ 10 साल में जब नाई करे वो हो गए लोगी जी मोदी जी। हम मौर्या हैं, किसानों के लिए ऐसा हो गया। और क्या, किसानन के 2000 रुपया देता है साल में, का चाहिए, रोड चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, बिजली मिल रही अभी, का चाहिए और कुछ चाहिए। कह रहे लेकिन हम आएंगे राहुल गांधी, एक मिनट राहुल गांधी कह रहे हम आएंगे तो इनके खाते में खटाखट पैसा डालेंगे। और दूसरी चीज ये भी कह रहे 65 साल में नहीं डाल पाओल है, तो अब डाल दी है विश्वास बा तू। अरे तू तो वही ओर से उन्हीं ओर से बोला ताड़ा, ठीक है उनका धर्म बनता है कहना तू तो नहीं। वो ये भी कह रहे कि अगर हम आ जाएंगे, आप किसान है, किसान के हितों की अगर कोई बात करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी करेंगे। अरे भैया तो जिस दिन उनकी सरकार थी किसान के हितों में क्या उन्होंने किया है, उस दिन कहाँ थे। जिस दिन उनकी सरकार थी उस दिन क्यों किसान के हित के बात नहीं किए, बोलिए हम लोगों को क्या दिए थे। आज किसान समृद्धि योजना मिल रहा है, राशन कार्ड का लाभ मिल रहा है, क्षेत्र जवार में हम लोग 52 गांव के लोग बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में बूढ़ते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। आज महाराज योगी आदित्यनाथ ने तरकुलानी रेगुलेटर लगवा दिया, अब इससे बढ़ के क्या सुविधा चाहिए। सारी सुविधा दे रहे हैं, कोई सुविधा में असुविधा नहीं है। आम जनता खुशहाल आमन चैन से कमा रही। सब ने भगवान भेजले बाण अवतार, हमें कलयुग के अवतार भेजले बाण मोदी योगी के, सब सही हो जाई हैं। हाँ जौन 65 साल में नहीं भइल वो 10 साल में सही हो गई। बात समझ रहे हैं ना, बात समझ रहे हैं कि नहीं। अरे भैया आप समझ लीजिए, हाँ कि 10 साल में काम जो कर रहे हैं कोई कर नहीं पाएगा। अब जा रहे हैं वो मर्दे आवत आ रहे हैं, युवाओं के साथ में है। अरे ये बतावा, ये बताइए पहले 100 रुपया रहल इथी बेरोजगारी का पैसा मिलता, 100 रुपया मजूरी रहल, तो 300 सिलेंडर रहल, अब सुना 500 मजूरी जा कमाता ही नहीं सबन, तब 1000 हो गए, कौन महंगाई भाई मर्दे है, का महंगाई है बताइए आप। भाई साहब सिलेंडर महंगाई देखिए। अरे भैया मजूरियों तो एक घर में एक गाड़ी रहल, अब 5 गाड़ी हो गए तो महंगाई नहीं हुई, डीजल पेट्रोल नहीं बढ़ी, ये सब सही बा भैया, वहाँ कावन नहीं लाएगा बा।